दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अमेरिका के F-35 और रशिया के Su-75 जैकमेट का डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं। जो अमेरिका का F-35 फाइटर जेट है उसको लॉकहीड मार्टिन बनाती है, वहीं पर रशिया के Su-75 जैकमेट को सुकोई ग्रुप बनाने में लगा हुआ है। दोनों ही फाइटर जेट सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है। फिलहाल इस तरीके के फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट को अमेरिका, रशिया और चाइना डेवलप कर चुके हैं, लेकिन आज भी देखा जाए तो अमेरिका ही केवल वो देश है जिसके पास दो दो फिफ्थ जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद हैं। स्टेल्थ फाइटर जेट वो फाइटर जेट होते हैं जिनका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत ही ज्यादा कम होता है और ये दुश्मन देश की रडारों में एक पक्षी के जैसे दिखाई देते हैं। अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट के 3 वर्जन को बनाकर तैयार कर रखा है। पहले वर्जन का नाम F-35A है जो नॉर्मल फाइटर जेट की तरह उड़ान भर सकता है और नॉर्मल फाइटर जेट की तरह ही लैंडिंग कर सकता है, लेकिन जो F-35B है वो नॉर्मल फाइटर जेट की तरह उड़ान भर सकता है लेकिन ये लैंडिंग वर्टिकली करता है। और जो F-35C है अमेरिका ने उसको अपनी नेवी के लिए बनाया है और ये फाइटर जेट वर्टिकल टेक ऑफ भी कर सकता है और वर्टिकल लैंडिंग भी कर सकता है, लेकिन रशिया के Su-75 जैकमेट में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। Su-75 जैकमेट नॉर्मल फाइटर जेट की तरह उड़ान भरेगा और नॉर्मल फाइटर जेट की तरह ही लैंडिंग करेगा। अमेरिका के F-35 फाइटर जेट ने 15 दिसंबर 2006 में अपनी पहली उड़ान भरी थी, जबकि रशिया अपने Su-75 जैकमेट को फिलहाल बनाने में लगाई हुआ है। Su-75 जैकमेट का पहला प्रोटोटाइप रशिया 2024 तक बनाकर तैयार कर लेगा, जिसकी टेस्टिंग 2025 से शुरू हो जाएगी और ये टेस्टिंग 2026 तक कंप्लीट कर ली जाएगी और फिर फाइनली 2027 से Su-75 जैकमेट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब तक अमेरिका 890 से भी ज्यादा F-35 फाइटर जेट बना चुका है जिनको कई देश की वायुसेना इस्तेमाल करती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास फिलहाल 50 की संख्या में F-35 फाइटर जेट मौजूद हैं और ऑस्ट्रेलिया ने 70 नए F-35 फाइटर जेट का ऑर्डर देने का प्लान कर रखा है। वहीं पर बेल्जियम अमेरिका से 34 की संख्या में F-35 फाइटर जेट खरीदना चाहता है और कनाडा ऑलरेडी 88 F-35 फाइटर जेट का ऑर्डर अमेरिका को दे चुका है। डेनमार्क के पास 6 F-35 फाइटर जेट मौजूद हैं, वहीं पर डेनमार्क 27 की संख्या में और नए F-35 फाइटर जेट खरीदना चाहता है। जर्मनी ने भी कुछ F-35 फाइटर जेट का ऑर्डर दिया है और इजराइल के पास फिलहाल 36 की संख्या में F-35 फाइटर जेट मौजूद हैं। जापान के पास 27 F-35 ऑपरेशनलाइज हैं, लेकिन जापान की तरफ से ये टारगेट रखा गया है कि जल्द से जल्द हम अपनी सेना में 147 F-35 फाइटर जेट को लेकर आएंगे, जिसमें से 105 तो F-35A होंगे जो नॉर्मल फाइटर जेट की तरह टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं और 42 की संख्या में जापान अमेरिका से F-35B लेना चाहता है जो नॉर्मल फाइटर जेट की तरह उड़ान भर सकेंगे लेकिन ये लैंडिंग वर्टिकली कर सकेंगे। वहीं पर नीदरलैंड को 24 F-35 मिल चुके हैं और नीदरलैंड 37 की संख्या में और नए F-35 खरीदना चाहता है। नॉर्वे के पास 31 की संख्या में F-35 हैं और पोलैंड ने 32 नए F-35 का ऑर्डर दे दिया है। साउथ कोरिया के पास 40 F-35 मौजूद हैं और साउथ कोरिया 20 और नए F-35 अमेरिका से लेना चाहता है। फिलहाल यूके के पास 30 F-35B हैं, लेकिन यूके का ये प्लान है कि हम अपनी सेना में 138 की संख्या में F-35 को लेकर आएंगे। वहीं पर अमेरिका के पास फिलहाल 302 की संख्या में F-35 फाइटर जेट मौजूद हैं। तुर्की और UAE भी अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदना चाहते हैं, जबकि रशिया अपने Su-75 जैकमेट के लिए अभी ग्राहकों की तलाश ही कर रहा है। अब बात करते हैं दोनों ही फाइटर जेट की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। दोनों ही फाइटर जेट को एक क्रू मेंबर उड़ाता है। F-35 फाइटर जेट का MPT वेट 13,290 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 31,809 किलोग्राम है। F-35 फाइटर जेट की स्पीड 1.6 मैक है। रेंज इस फाइटर जेट की 2200 किलोमीटर है। F-35 फाइटर जेट की कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर है, यानी ये फाइटर जेट 1239 किलोमीटर दूर जाकर हमला कर वापस आ सकता है। F-35 फाइटर जेट 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है
F-35 अपने साथ में 8,160 किलोग्राम हथियार ले जा सकता है। F-35 में जो इंजन लगा हुआ है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि 125 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है और आफ्टर बर्नर के साथ 191 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। और अब बात करते हैं रशिया के Su-75 जैकमेट की, जिसकी स्पीड 1.8 मैक होने वाली है और रेंज इसकी 3000 किलोमीटर होगी। और जो Su-75 जैकमेट के अंदर इंजन लगा होगा वो ड्राई अवस्था में 107 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा और आफ्टर बर्नर के साथ 171 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा। दोनों ही फाइटर जेट की कीमतों में जमीन और आसमान का फर्क होने वाला है, क्योंकि अमेरिका के एक F-35 की कीमत $100 मिलियन से $135 मिलियन होती है। वहीं पर जो रशिया का Su-75 जैकमेट होगा, रशिया की तरफ से ये टारगेट रखा गया है कि हमारे एक Su-75 की कीमत 60 मिलियन से 70 मिलियन होगी। और दोनों ही देशों की तरफ से भारत को MRFA डील में अपने ये फाइटर जेट ऑफर किए गए हैं। और अब आप कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको दोनों ही फाइटर जेट में से कौन सा फाइटर जेट ज्यादा बेटर लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।